morning, welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 3 English Grammar Chapter Number 6 Pronouns. तो यहाँ पे देखिए जो नाम दिया है pronouns उसका दो पार्ट में डिवाइड होता है जैसे कि प्रो और नाउंस. तो यहाँ पे नाउंस किससे कहते हैं, सबसे पहले किसी भी चीज़ को नाउन कहते हैं और प्रोनाउंस किसे कहते हैं, प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउंस, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउंस. फिर से ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउंस. तो यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस के टाइप्स दिए हैं जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस. तो पर्सनल प्रोनाउंस यानी कि कोई सेंटेंस दिया हो उसमें पर्सन का नाम दिया हो तो उसे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस. तो उसमें लिखा है आई ही सी यू वी दे इटीसी आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस दे वर्ड्स आर द डू. यानी कि यहाँ पे मैं बता देती हूँ सब्जेक्ट प्रोनाउंस किससे कहते हैं, कि अगर हमें कोई सेंटेंस दिया हो जैसे कि नथन वॉज ईटिंग सैंडविच, तो यहाँ पे नथन क्या हुआ, सब्जेक्ट, और सैंडविच क्या हुआ, ऑब्जेक्ट. जैसे कि देखिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है नथन वॉज ईटिंग सैंडविच, तो यहाँ पे नथन क्या हुआ, सब्जेक्ट. जैसे कि उस वर्ड में हमें बताया है कि कौन सैंडविच खा रहा है, नथन, तो वो क्या हुआ, सब्जेक्ट प्रोनाउंस. तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई ही शी यू वी दे इटीसी आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस. आई यानी कि मैं, ही यानी कि वो, सी यानी कि वो लड़की, यू यानी कि तू. तो ऐसे जो वर्ड्स दिए होते हैं सेंटेंस में उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस. फिर नेक्स्ट लिखा है मी हीम हर यूज देम इटीसी आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस दीज वर्ड्स आर द रिसीवर. यानी कि हमें कोई सेंटेंस दिया हो उसमें क्या बताया गया है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स प्रोनाउंस. जैसे कि मैंने आके एक एग्जाम्पल बताया कि जैसे कि नथन वॉज ईटिंग सैंडविच, तो नथन है वो क्या खा रहा है, ईटिंग सैंडविच, यानी कि वो सैंडविच खा रहा है, तो वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. तो यहाँ पे क्या बताया है, मी हिम हर अस देम इटीसी आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पर्सनल प्रोनाउंस में दो प्रोनाउंस दिए हैं जैसे कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या है, कि कोई सेंटेंस में किसी बारे में बताया हो कि ये है, वो है, ये लड़का ये कर रहा है, वो लड़का वो कर रहा है, तो वो क्या हुआ, इसमें जो पर्सन दिया हो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस. और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यानी कि किसी सेंटेंस में वो क्या कर रहा है, यानी कि वो जो सब्जेक्ट है, यानी कि जैसे कि वो नथन क्या खा रहा था, सैंडविच खा रहा था, तो सैंडविच क्या हुआ, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. तो ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या है. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, आई, आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू यानी कि तुम, और मी यानी कि मैं या फिर मुझे. तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया है जैसे कि पढ़ते हैं फर्स्ट प्रोनाउंस, सेकंड प्रोनाउंस और थर्ड प्रोनाउंस. तो ये सारा क्या है, हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट प्रोनाउंस में क्या है, सब्जेक्ट में दिया है आई और ऑब्जेक्ट में दिया है मी. तो देखिए सिंगुलर में क्या दिया है, सब्जेक्ट में आई और ऑब्जेक्ट में दिया है मी. तो देखिए उसका फर्स्ट पर्सन में प्लूरल क्या होगा, सब्जेक्ट दिया है आई तो उसका प्लूरल क्या होगा, वी यानी कि हम. फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में लिखा है सिंगुलर में मी तो उसका प्लूरल क्या होगा, अस. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में क्या लिखा है, सब्जेक्ट में आई सिंगुलर में और ऑब्जेक्ट में सिंगुलर में लिखा है मी, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वी और अस. फिर सेकंड पर्सन में लिखा है सिंगुलर और प्लूरल में यू का, सिंगुलर और प्लूरल भी यू ही होता है. फिर नेक्स्ट थर्ड पर्सन में लिखा है सिंगुलर में ही सी इट तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, दे, और ऑब्जेक्ट में सिंगुलर में लिखा है हिम हर इट तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, देम. तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हैं, प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग आर इन फर्स्ट पर्सन. यानी कि फर्स्ट प्रोनाउंस किसे कहते हैं,
कि जो भी अपनी बातों को कहने वाला होता है तो हम बातों कौन कहता है, मैं या फिर हम, तो वो क्या हुआ, फर्स्ट प्रोनाउंस। तो यहाँ पे उसमें क्या होगा, आई, मी, वी और अस। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर द पर्सन स्पोकन टू आर इन सेकंड पर्सन, यानी कि जो भी अपने जो भी कोई बात को सुनने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। तो यू का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होगा, यू। फिर नेक्स्ट लिखा है, प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ आर इन थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन किससे कहते हैं, कि जिसके बारे में बात की जाती है उससे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, कि कोई पर्सन है वो कोई चीज़ के बारे में बात कर रहा है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। तो उसमें क्या आता है, ही, हिम, सी, इट, दे, देम। यहाँ पे इट का मतलब होता है कोई चीज़ में जान नहीं होती है, उसके लिए क्या यूज होता है, इट। तो यहाँ पे देखा फर्स्ट पर्सन में कि हमने सिंगुलर फॉर्म में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में आई, मी दिया है, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, वी और अस। फिर सेकेंड पर्सन में हमने देखा कि यू दिया है, उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म यू ही होता है। फिर थर्ड पर्सन में देखा कि सिंगुलर फॉर्म में ही, शी, इट लिखा है, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, दे। और हिम, हर, इट का प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, देम। फिर नेक्स्ट ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर ए, कलर्स द प्रोनाउंस, यानी कि यहाँ पे येलो बॉक्स में लिखा है, आई, मी, ही, सी, इम, हर आर सिंगुलर प्रोनाउंस, यानी कि ही, आई, मी, ही, सी, हिम, हर कोई सेंटेंस में यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस। ये जो सारे हैं वो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। वी, अस, दे, देम आर प्लूरल प्रोनाउंस, तो ये जो सारे हैं वी, अस, दे, देम, वो है प्लूरल प्रोनाउंस। यू इज बोथ अ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस, यानी कि यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल में भी यू ही यूज होता है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर अ थिंग्स और एन एनिमल एंड नॉट फॉर अ पर्सन, यानी कि इट जो वर्ड है वो कोई चीज़ के लिए यूज होता है या फिर कोई एनिमल के लिए यूज होता है, और जिस यानी कि जिसमें पर्सन का नाम नहीं दिया होता है उसमें इट का यूज होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सर्कल द प्रोनाउंस, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं बॉक्स में हमें उसमें से जो प्रोनाउंस वर्ड हो उस पर हमें सर्कल करना है। जैसे कि मैंने सर्कल किया है यू, ही, आई, वी, अस, दे, देम, वो सारे क्या है, प्रोनाउंस। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्सरसाइज नंबर बी,